जिसने भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक मार देना वीडियो को। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जिम भाई लाइट की एक न्यू गेम प्ले वीडियो में। तो ये गेम प्ले भाई बहुत ही रस होने वाला है, यानी फुल रस खेलेंगे, जहाँ भी बंदे दिखेंगे वहीं मारेंगे उन्हें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वेयर हाउस उतरा था और मेरे को स्कॉलर मिल गई थी और एक बोट भी आया था। यहाँ पर एक बोट ही नहीं आता भाई, यहाँ पर दो स्क्वाड आती है जो कि घरों में उतरी थी। तो यहाँ से मैं उस बोर्ड को मार के थोड़ी बहुत लूट वाट कर लेता था। मुझे एक बंदा दिखता है सामने तो मैं उसे नॉक कर देता हूँ। अभी दो बंदे और दिखते हैं, पता नहीं सी टीम कहते हैं कि आ रहा है, जो एक पीछे ऊपर से कूदा उस घर से, ये तो निकल जाता है। उसको मैं अच्छा खासा डैमेज दे देता हूँ, पर इतने में यार बोट आके डिस्टर्ब कर देता है तो बोट के भर देता हूँ पहले मैं। तो इसे मारते भाई बिना किसी की लोकेशन जाने मैं रश कर देता हूँ बंदों पर। तो मुझे लिए यार मैं सोचा भाई रश करते हैं क्योंकि किल भी चाहिए अपने, वरना वो आपस में फाइट लेकर मर जाते। तो मैं सोचा चलो रश ही करते हैं डायरेक्ट। अब जैसे मैं आगे जाता तो मुझे लग जाता है कि यहीं आसपास ही बंदे हैं मेरे, तो इन कंटेनरों के अंदर रहते हैं बंदे। जैसे ही मैं आता हूँ वो थोड़े हड़बड़ा के भागते हैं और यहीं भरेंगे उनके सबके। अब इसका एक बंदा यहाँ पर था जो कि छुप के एकदम से रस करता है मेरे पे। अब मेरे इतने में रिलोड लग जाते हैं, इस कारण से इजीली मार देता हूँ मैं इसे। अभी मैं अंदर पहले इसको फिनिश करके मैं अंदर जाने के हील करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास 5 बैंडेज थी और बस और कुछ भी नहीं था। तो मैं थोड़ा घूम के आता हूँ हील करते हुए और यहाँ पे आके बैठ के उनकी लोकेशन चेक करने लग जाता हूँ। पर वो इतने में लूटने आ जाते हैं बंदे, तो सोचते हैं यार चला गया शायद। और मैं इसको अच्छा खासा डैमेज दे देता हूँ लगभग दोनों को ही, यानी आधी HP तक कर देता हूँ मैं इनकी, आधी पावर तक, HP नहीं पावर। और इधर भी इसको नॉक कर देता हूँ मैं। अब इसका लास्ट वाला बंदा जो इसके अंदर चला गया था वेयर हाउस के, मैंने उसे यहीं से आएगा, पर वो घूम के आता है मेरी तरह जैसे मैं आया था अभी हील करते करते। मुझे पैरों के बाद से पता लग जाता है कि वो आ रहा है और इसको भी इजीली मार देते हैं, क्योंकि भाई जो ये गन है ना यूज जैसी है सबसे ख़तरनाक गन है इसमें। मैंने सोची भाई अभी बंदे ख़त्म हो गए, पर अभी ख़त्म नहीं हुए थे। अभी ये दोनों बंदे एक साथ फायर दे रहे हैं, तो एक तो रस भी कर देते हैं। इसकी रिलोड लगी हुई थी और मैं इसे मार देता हूँ। इसका मैं दूसरा बंदा लेट के फायर दे रहा था तो उसे भी इजीली मार देता हूँ। भाई इसके पास थॉमसन थी, अगर मैं इससे यहाँ पे इसकी रिलोड नहीं लगती तो वो मेरे को आराम से मार सकता था। अब ये ब्लैक वाला जो बंदा था ये पता नहीं भाई क्यों छुप रहा था, शायद मेरे को लगा इसके बंदे आ रहे हो। इस रियल बंदा है भाई ये, और बोट को मुक्के से मार रहा है। पता नहीं भाई सोलो वर्सेस कोड खेल रहा होगा शायद, पर यार इसे गन कैसे नहीं मिली वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बस बोट ही उतरे थे और ये अकेला रियल बंदा था, तो उसे गन पता नहीं कैसे नहीं मिली। दूसरे बारे तो वहाँ से मार के यहाँ पे जो उनने बोर्ड नॉक करे थे एक दो उनके किल ले लेता हूँ। यहाँ पे भाई बोट ही उतरते हैं यहाँ ज़्यादा, नॉर्थ हिल में ज़्यादातर बोट उतरते हैं, मैंने जितनी भी बार अभी देखा है तो ज़्यादातर बोट ही उतरते हैं यहाँ तक। अभी 31 बंदे अलाइव थे, अभी 30 हो जाएंगे। 30 बंदे में से हमारे 10 किल तो आ चुके थे। मैं सोचा यार रस खेल के और भी किल देखते हैं अभी। तो अभी ये मेरे को बोट मिल रहे थे तो मैंने सोचा भाई सबके किल लेंगे यार, किल ज़्यादा करने हैं। अभी मर जाता इतने में जोन भी आ रहा था, तो मैंने लूट वाट के थोड़ा बहुत, वैसे तो इनके पास ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है मुझे, अपनी गाड़ी उठा के निकल लेता हूँ मैं। जैसे ही यहाँ पे आया तो मुझे एक बंदा दिखा, और एक नहीं यार और दो बंदे होते, एक बंदा पेड़ के पास लेट जाएगा एकदम से। अब मेरे पता नहीं इसके गाड़ी क्यों नहीं चढ़ी, और गाड़ी मैंने अपनी सही कवर में खड़ी करी है, मुक्के मार रहा था, इसके हाथ में शायद गन नहीं आई। तो अभी इसका दूसरा बंदा रस करता है, और ये देखना भाई पागल सा बंदा था, पता नहीं यार इसके 3 हाए थे पता नहीं क्या, ये सामने पेड़ पे गोली मार रहा था। इतने में एक और बोट आता तो इसके तो कार 98 से भर देते हैं। अब इस बंदे के यार 3 आए थे, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा था, तो इन्हें लूट वाट के बाकी की साइड चलते हैं, क्योंकि भाई आगे और भी बंदे थे और 14 ये लाइव थे, तो हमें और किल चाहिए थे अभी। यहाँ पे मैंने एक किल चुरा भी लिया था किसी का, तो मेरे 15 किल हो गए थे। तो मैंने यहाँ से एक दो शॉट ट्राई करे, ये किल चुराऊंगा मैं यहाँ पे, ये रहा। पता नहीं किसका किल था, मेरे को पता नहीं लगा क्योंकि मैं लाया यहाँ पे बाद में आया था। अभी टीम में रेस्ट करा था तो मैं ट्राई करता हूँ एक दो शॉट। अब इसके पास भाई RPG दिख गई थी मुझे, RPG तो ये लपेट सकता था मुझे, मेरे को लगा यहाँ पे भी एक रियल बंदा है, पर यहाँ पे भी बोट होता है, तो इसे मार के मैं ऊपर निकल लेता हूँ। तो भाई ऊपर से थोड़ा बहुत बढ़िया एंगल आता है, और अभी तक हम जोन में थे तो मैं कार 98 से ट्राई करने की सोच रहा था। तो मेरे सामने बंदा दिखता है और मैं उसको चटका लेता हूँ एक हेड शॉट। उसके बाद लेवल 3 का था, तो उसका हेलमेट तो भाई गया होगा क्योंकि ख़तरनाक वाला हेड शॉट लगा उसके। अब हेलमेट तो उसका बचा नहीं होगा। यहाँ पे मैं शॉट ट्राई करता हूँ, उसके बॉडी शॉट पड़ता है और वो कवर में हो जाता है।
तो भाई अब मैं उनको ट्राई कर रहा था कोई हेड दिखाए या कोई पिक ले, पर कोई पिक नहीं लेता भाई। इतने में मैं इसके यहाँ पे हेडशॉट मार देता हूँ। ये सोच रहा था, पता नहीं उधर ही देख रहा था, इसे पता नहीं लगा होगा पहले हेडशॉट कहाँ से पड़ा था इसके, तो इसलिए ये उधर देख के हुए अपने हील कर रहा था पीछे। ये सोच रहा कवर में हूँ, उधर एक बंदा और होता है बस, इजीली रिवाइव हो जाता। पर यार ये बंदे इतने पागल थे कि मेरे पे रस नहीं करते, ये बंदे डायरेक्ट उन पे रस करते हैं। तो मैंने उनका सामने एक बंदा नॉक किया, पर मैं बोट का किल चुराना चाहता था, पर बोट को उनने पहले मारा बिना रिवाइव दिए। तो अब जो है मेरे साइड वाले बंदे थे मेरे पे रस ना करके उन सामने वाले बंदों पे रस करते हैं, पता नहीं क्यों भाई। पता नहीं इन्हें लोकेशन नहीं मिल रही थी कि कहाँ से मारा, तो मैं उनकी गाड़ी के टायर फोड़ने स्टार्ट कर देता हूँ कि जोन मेरे पे बन गया तो भाग के आएंगे और मैं इजीली लपेट दूँगा उन्हें। अब ये बंदा ऊपर आ गया था फिर से, तो मैं इसे शॉट ट्राई कर रहा था इस पर, तो इसके नीचे वाले के मैंने एक बॉडी शॉट दिया। तो मैं उसे यार वो बंदे भी वहीं पहुँच गए, तो मैं यहाँ पर किल चुराने की कोशिश कर रहा था, पर वो कवर में आ गया थोड़ा। तो मैंने सोचा यार मैं अभी रस करता हूँ, क्योंकि अभी उनकी फ़ाइट हुई है तो थोड़े बहुत डैमेज होंगे वो। अब मैं इसके एक शॉट यहाँ पे देता हूँ, और ये बंदा भाई पता नहीं अब देखो कैसे बचता है ये बंदा, बार 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 मिस हो रहे हैं भाई मेरे शॉट, पता नहीं कैसे। ये तो मिस हुआ, ये तो थोड़ा साइड से गया उसके और यहाँ पे ही लेटा हुआ। पर देखो भाई पता नहीं यार ये मेरा ग्लिच था या रिच का ग्लिच था, तो यहाँ पे लास्ट में उसके एक हेड शॉट मार ही देता हूँ मैं बिना देखे, और ये हो जाता है 18 किल के साथ इजी सा चिकन डिनर।